आज 18 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सीतापुर में भी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जब पूरे देश में चल रहा था तो जलियांवाला बाग के बाद में सबसे बड़ा आंदोलन सीतापुर में जहां तक मेरी संज्ञान में है या जितना मैंने इतिहास को खंगाला है उसके अंतर्गत सबसे बड़ा आंदोलन जलियांवाला बाग के बाद सीतापुर में हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लाल बाग जो हमारा आज चौराहा है वहाँ से हजारों की संख्या में हमारे देश प्रेमी साथी सब इकट्ठा थे और उस समय का कैसा माहौल रहा होगा, तब ये दुकानें नहीं थी, कुछ नहीं थी, ये तो पूरा मैदान था और हजारों की संख्या में नवयुवक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सारे लोग, बच्चे उसमें शामिल थे। ये नारा लगा रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो और भारतवर्ष को खाली करना है, ऐसा नारा लगाकर शांत प्रिय ढंग से यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आ रहे थे। लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश पर यहाँ पर जलियांवाला बाग की तरह ही गोलियाँ चलाई गईं जिसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। लेकिन कुछ जिनके साक्ष्य हैं या जिनके नाम या जिनके बारे में पता चला वो आज इस जो है पीछे जो शिलालेख है उस पर उनके नाम अंकित हैं। उसमें एक बहुत छोटा सा बच्चा भी था, उसने भी अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हीं की स्मृति में, चूंकि ये इतिहास है और इतिहास को हमको लगातार जीवित रखना है, इतिहास को हमें सभी के समक्ष लाना है और उसको कैसे लाएंगे कि हमारे देश को आज़ाद कराने में कैसे कैसे लोगों ने शहादत दी, बड़े बड़े नाम तो किताबों के माध्यम से और अनेक मीडिया के माध्यम से लोग जानते हैं, किंतु ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक गांवों में ऐसे लोग थे जिन्होंने चुपके से देश के लिए अलग जगाई और अपने प्राणों की आहुति देके या आंदोलन के दौरान जेल जाकर अपना जो है जितना भी कर्तव्य था देश के प्रति निभाया और इस देश को आज़ाद कराने में अपना सहयोग दिया या बलिदान दिया। उनके बलिदान को व्यर्थ ना जाने पाए इसलिए हम प्रतिवर्ष अपने जनपद सीतापुर के जो हमारे ज़िले के स्तर पे है या हमारे शहर के स्तर पे है, हम लगातार ये पिछले कम से कम 15 क्यों विजय भैया हमारे विजय भैया इस बार के अध्यक्ष हैं हमारे साथ है, 15-16 सालों से अनवरत ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। पहले बहुत बड़े स्तर पे ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर करते थे, कवि सम्मेलन भी होता था, गोष्ठी भी होती थी, जनपद के अधिकारी आते थे और इस कार्यक्रम में उपस्थित रहते थे। लेकिन समय के अनुसार या समय की मांग के अनुसार या कभी लोग ज़्यादा आ पाते हैं या मौसम की कुछ आज तो जैसे गेट अभी बंद है या कुछ लालबाग पे समस्या है, लेकिन फिर भी आज जो देश प्रेमी साथी हैं, देश प्रेमियों को कोई रोक नहीं सकता, कोई डोर उनको बांध नहीं सकती है। तो जितने हमारे देश प्रेमी साथी हैं, भाई हैं, वो हमारी एक छोटी सी काल पर आज यहाँ पर उपस्थित हुए क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक देश के अंदर जज्बा है और इतिहास ये सिखाता है कि हमने जो है क्या गलतियाँ की थी और उन गलतियों से शिक्षा लेके वर्तमान और भविष्य को किस तरह हमें सुधारना है, किस तरह हमें संवारना है, ये चीज़ हम उससे सीखते हैं। इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है और इसीलिए बार बार ये कार्यक्रम इस तरह के, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 2 अक्टूबर हो, चाहे कारगिल दिवस हो, ये सब हम कार्यक्रम लगातार जो है लोग पूरा देश मनाता है और प्रगतिशील वैचारिक एसोसिएशन के हमारे बहुत से यहाँ पर साथी पदाधिकारी मौजूद हैं। हम लोग लगातार ये कार्यक्रम पिछले 15-16 सालों से कर रहे हैं। इसके अलावा जो है कारगिल दिवस पे भी हम लोग आई हॉस्पिटल जो पार्क है वहाँ पे जो विजय स्तंभ बना है वहाँ हम लोग कार्यक्रम करते हैं, 2 अक्टूबर को सफाई का कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा अनेक कार्यक्रम हम करते हैं। जब जिलाधिकारी संजय कुमार साहब थे तो उस समय हमने एक उनसे मांग की थी कि जो हमारे आज भी गुलामी के निशान के रूप में कॉक्स रोड, एल्गिन रोड ये मौजूद है, ऐसे कई एक हमने जो चीज़ें जो गवाही हैं
उनको दिया था कि इनका नाम परिवर्तन कर दिया जाए, उसको नगर पालिका में भेजा था और माननीय संजय कुमार ने उसको प्रदेश में भेजा था। कई बार इसकी पुरजोर आवाज़ उठी, लेकिन इन्हीं शहीदों में से किसी का एक का नाम रख दिया जाए, जैसे मधवापुर वाली रोड है तो उसमें चंद्रपाल जी के नाम पर, ऐसे हमने कई मांगे की थी। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि आज तक हमारी कोई मांग इस संबंध में सफल नहीं हो पाई। अगर शासन प्रशासन की मंशा देश के प्रति स्वच्छ और स्पष्ट होती तो आज इन चीज़ों के लिए हमें बार बार रोना और कहना नहीं पड़ता। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः अधिकारियों को जगाना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ, क्योंकि अपने ही देश में अपने लोगों के लिए आंदोलन, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान दे दी, कहाँ तक उचित है? केवल ये तो व्यक्ति को स्वयं अपनी आत्मा से जो है सीख लेके जो है ये कार्य करना कर देना चाहिए शासन प्रशासन को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी इन चीज़ों को जो हम मांग कर चुके हैं उनको जो है रखा जाए। और मैं आप आज का जो ये कार्यक्रम है, यहाँ पर हमारे बहुत से साथी, देखिए बार के अध्यक्ष खड़े हैं, नदीम भाई खैराबाद से आ गए, ये समीम भाई खड़े हैं, विजय भाई गुड्डू खड़े हैं, हमारे जो है रत्नेश भाई, मैं किस किस का नाम लूँ, देखिए हमारे जो है, अरे टीपी भाई उधर देखिए खड़े हैं, आदित्य भाई आ गए, जेपी भाई हैं, पुष्कर भाई हैं, बबलू, हमारे सैकड़ों हमारे एकेडमी के दोस्त हैं, साथी हैं, क्रिकेट एकेडमी के बच्चे हैं, हमारे जो आज एथलेटिक प्रतियोगिता हम लोग करवा रहे थे 2 दिन से, वहाँ से लोग आए हैं। तो मैं नवयुवकों को इस क्षेत्र में लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ। और एक मेरा बहुत कटु बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक लोगों को जो बड़े बड़े पदों पर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, मेरी ये कभी भी अपेक्षा नहीं रहती कि वो मेरे इस तरह के कार्यक्रमों में मैं ना बुलाता हूँ, ना वो आते हैं, और ना मैं ही उनसे कोई अपेक्षा रखता हूँ कि वो मेरे इन कार्यक्रमों में आए, क्योंकि ये स्वतः प्रेरणा से चीज़ें हैं देश के प्रति। और ये देश का जो जज्बा है अपने आप आता है, सोचने से आता है, मंथन करने से, हाँ हृदय से जुड़ा हुआ है, मंथन करने से, चिंतन करने से आता है। और जितने मेरे यहाँ पर भाई आज यहाँ पर आए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हालांकि देश का प्रोग्राम है, देश से संबंधित कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी इसमें लोगों को बार बार कह के बुलाना पड़ता है। लेकिन जो लोग भी आत्म अपनी चेतना से, स्वभाव से आए हैं, मैं सभी का हाथ जोड़कर बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।